जय हिंद गाइस। आज फिर हाजिर है बाबा श्याम आपके लिए कुछ नया लेकर, कुछ नया सीखने को लेकर। सो एज वी वर डिस्कसिंग अबाउट सम वोकैब्स, हम लोग कुछ वोकैब्स को लेकर बात कर रहे थे। सो उसी कुछ और वर्ड्स को लेके बाबा श्याम हैज कम। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। ओके चलो, तो पहला जो वर्ड है हमारा, जो पहला वर्ड है वो पहला वर्ड है मूर्ख। पहला वर्ड है क्या? मूर्ख। अब इसको जिनको आता है वो क्या बोल देंगे? मूर्ख मतलब फूल होता है, फुलिश होता है। कुछ तो नया सीखेंगे आज। क्या सीखेंगे? कुछ नया सीखेंगे, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने सीखा था। सो इसका नया क्या होगा? ध्यान से सुनना, एक स्टोरी सुनना, स्टोरी से सीखेंगे, स्टोरी से सीखेंगे। चलो, स्टोरी क्या है? फालतू वाला दिमाग, फालतू वाला याद रखना। जियो सिम कुछ टाइम पहले आया था, है ना? आई थिंक इट वॉज द ईयर ऑफ 2016। ओके, वन दिस सिम वॉज लॉन्च्ड। ये जो सिम जो लॉन्च किया गया था, ये कौन सा ईयर था? 2016 था, ठीक है। So, उस वक्त क्या था? जिन्होंने भी सिम नहीं खरीदा ना, जिन्होंने भी सिम नहीं खरीदा, देखो तो फालतू बात है ये, ध्यान रखना, फालतू बात कर रहा हूं। जिन्होंने भी सिम खरीदने में लेट कर दी, जिन्होंने भी सिम खरीदने में लेट कर दी, वो क्या थे? वो मूर्ख थे। जिन्होंने भी सिम खरीदने में क्या कर दी बच्चे? लेट कर दी, वो क्या थे? मूर्ख थे। सिम लेटन, ओ एन लगा दो, बन गया सिम लेटन, और इसका मतलब क्या हो गया? मूर्ख। देखो फालतू बात, जिन्होंने भी सिम खरीदने में लेट कर दी वो क्या थे? मूर्ख थे। खत्म, खत्म हो गया। सेकेंड वर्ड हमारा क्या है? गैर कानूनी। सेकेंड वर्ड क्या है? गैर कानूनी। इसका इंग्लिश क्या सीखेंगे? देखो, इलीगल बहुत कोई बोल देंगे, बहुत कोई बोल देंगे इलीगल। सुनना मेरा स्टोरी। हम अपने देश में, सुनना ध्यान से, हम अपने देश में उन सारे चीजों को बैन कर देंगे जो हमारे लिए क्या हो बच्चे? गैर कानूनी हो। आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस अगेन। हम उन सारे चीजों को अपने कंट्री से बैन कर देंगे जो हमारे लिए क्या हो? गैर कानूनी हो। चलो, क्या कर देंगे? हम अपने देश से, कंट्री, स्पेलिंग पे ध्यान मत दो, हम अपने कंट्री से सारे कुछ क्या कर देंगे? बैन कर देंगे, बैंड कर देंगे जो हमारे लिए क्या हो? गैर कानूनी हो। बन गया कॉन्ट्रैबैंड। नेक्स्ट वर्ड पोशाक। नेक्स्ट वर्ड क्या है? पोशाक। हम लोग क्या बोलते हैं? इस लड़के का हैबिट बहुत अच्छा है। क्या है बच्चे? इसका हैबिट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी, किसी और का, मेरा नहीं। इस लड़के का हैबिट बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा अच्छी अच्छी पोशाकें पहनता है। इसका क्या अच्छा है? हैबिट। एच ए डबल बी होता है आदत के। पोशाक के लिए एक आई लगा देना, एक बी लगा दो, एच ए बी आई टी। हैबिट मीन्स, हैबिट मीन्स पोशाक। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है घुड़सवार। मुझे नहीं पता कोई हॉर्स राइडर, कोई हॉर्स राइडर बोलेंगे जिनको, जो बोलना है आप बोलो। नया सीखो, नया सीखो, सुनना ध्यान से। जिनको भी घोड़े की सवारी करनी आती है, जो भी घोड़े को दौड़ाते हैं, राइड करते हैं, उनका ना, वो बहुत जोक माइंड के होते हैं, कॉमेडी वाले माइंड के होते हैं। वो क्या होते हैं? किस किस्म के इंसान होते हैं? जॉकी वाले इंसान होते हैं। क्या होते हैं? जॉकी किस्म के इंसान होते हैं। क्या होते हैं? जॉकी मीन्स मजाक वाले इंसान होते हैं, जोक जोक करने वाले इंसान होते हैं। लास्ट में ईवाई लगा दो, जोक की किस्म के इंसान होते हैं। डन, घुड़सवार। दूसरा, सेकेंड, फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है? सर्वरोगनाशक और रामबाण। ध्यान से सुन, ध्यान से सुनना। हम लोग ना इंडिया वाले इंसान है, एज आई ऑलवेज गिव डायलॉग कि हम लोग इंडिया वाले हैं, वो इंडियंस, ठीक है। So, हम लोग को क्या होता है ना, आयुर्वेद वाले जो इलाज होते हैं उसमें बहुत विश्वास होता है। एक वर्ड बताता हूँ, एक चीज है पान, जो हम लोग खाते हैं, बड़ी बड़ी मजा आता है एक्चुअली में ना। सो जब भी हम लोग पान खाते हैं ना, कहाँ का पान? बाहर देश का, बाहर का नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट एशिया। फालतू बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। जब भी हम एशिया का पान को खाते हैं तो हम क्या हो जाता है? हमें कोई रोग नहीं होता, या फिर जो भी रोग होता है सबका स्वप्न रोग क्या होता है बच्चे? नाश हो जाता है। ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे रामबाण इलाज है। क्या है? हमारे लिए रामबाण इलाज है। जो भी YouTube देखते होंगे उनको पता होगा ये चीज, जो भी YouTube देखते हैं उनको पता होगा रामबाण इलाज क्या होता है, ठीक है। सो हमारे लिए क्या है? सर्व रोग नाशक है। क्या? पान। कहाँ का? एशिया का पान। कहाँ का बच्चे? एशिया का। स्पेलिंग पे मत ध्यान देना, बस वर्ड्स पे ध्यान दो, कैसे मैं टुकड़े करके बता रहा हूं अपने तरीके से। कहाँ है पान? जो है कहाँ का बच्चे? एशिया का। क्या है? बड़ी भयानक है, सर्व रोग नाशक है, हर रोग को नाश कर देता है। और क्या है? रामबाण इलाज है उसका, रामबाण इलाज है। चलो नेक्स्ट,
नेक्स्ट वर्ड है रक्षा करना। कोई सेफ्टी बोल देंगे, कोई क्या बोल देंगे, कोई क्या बोल देंगे, नया तरीका सीखेंगे, नया तरीका सीखेंगे। अच्छा एक बच्चा है, एक बच्चा है ना, उसको डर बहुत लगता है। ही फियर्स अ लॉट, ही इज अफ्रेड ऑफ नाइट। एक्चुअली वो रात से डर, उसको रात से डर लगता है। सो उसको डर बहुत लगता है। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इसका जो है इच्छा, इसका रक्षा करेंगे। कब करेंगे? रात में। रक्षा, इसका जो रक्षा है, रक्षा करना कब? इसको आप रात में रक्षा करना। क्या करना? इसको रक्षा करना कब? रात में। आरटी को रात कर दो, क्योंकि मैसेज वाला लैंग्वेज है, बड़ी भयानक मैसेज होता है। सो इसको क्या करना बच्चे? रात में रक्षा करना। तो रक्षा करना का इंग्लिश क्या हो गया? स्कॉट। इसको रात में रक्षा करना, स्कॉट। ठीक, चलो दूसरा तरीका इसका बताता हूं। इसको तो मैं कोर्ट में देख लूंगा, अपना रक्षा कैसे करेगा? इसको मैं कोर्ट में देख लूंगा, इसको कोर्ट पे देख लूंगा, कैसे अपना रक्षा करता है? नेक्स्ट वर्ड प्रतिभाशाली। नेक्स्ट वर्ड व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड गाइस? प्रतिभाशाली। ठीक है, प्रतिभाशाली। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। इसको हम लोग हमेशा ना, जब भी हम लोग देखते हैं कोई टाई पहना हुआ है, जब भी हम लोग ये देखते हैं कि कोई क्या क्या हुआ है, टाई पहना हुआ है, और टाई क्या एक लंबे टाइम से पहना हुआ है, मीन्स लगातार आप हम लोग किसी को देखें, अरे वो इतने दिन से पहना हुआ टाई पहन के जाता है, टाई पहन के जाता है, मीन्स बहुत टैलेंटेड होगा। बहुत क्या होगा? टैलेंटेड होगा। क्या होगा? वर्षों से वो टाई पहन रहा है, वर्षों से टाई पहन रहा है, टाई पहन रहा है वर्षों से, वर्षों वर्षों से क्या कर रहा है? टाई पहन रहा है। और लास्ट में एल ई लगा दो, क्या बन गया? वर्सेटाइल। आता हर किसी को था इसका इंग्लिश, मैक्सिमम इंसान को इसका इंग्लिश आता था, तरीका नहीं पता था याद कैसे करना है। याद तो कर लोगे, बताओगे कैसे किसी को? बताने सीखना है ना, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, दूसरों को सिखाने आना चाहिए। सो क्या हो गया? प्रतिभाशाली। वर्षों से क्या क्या बच्चा? टाई पहन के घूम रहा है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें प्रतिभा होगा ना, टैलेंट तो होगा। सो क्या हो गया? प्रतिभाशाली। चलो अब लास्ट आया आदरणीय। हर कोई ना इसको बता दिया होगा, माय रेस्पेक्टेड टीचर, आदरणीय, आदरणीय शिक्षक, या फिर रेस्पेक्टेड फादर और समथिंग, लविंग फादर, आई डोंट नो। आदरणीय का इंग्लिश क्या हो गया? देखना ध्यान से, रामायण आप लोगों ने देखा होगा, बजरंग बली, बजरंग बली। सो हम लोग क्या बोलते हैं, एक लाइन बोलता हूँ फालतू लाइन, कि इसका जो बल है, इसका क्या है बच्चे? इसका जो बल है वो एक बानर की तरह है, बजरंग बली की तरह है। इसका जो बल है वो क्या है? बानर की तरह है। इसकी क्या करो? आदर करो। इसकी क्या करो? आदर करो। क्यों? क्योंकि इसका जो बल है बानर की तरह है। इसका क्या है? बानर की तरह। क्या है? बानर की तरह। इसका क्या है? बल है। इसका क्या है? बानर की तरह बल है, इसीलिए इसकी रेस्पेक्ट करो, आदर करो। सो हमारा सेंटेंस क्या बन गया मेरे बच्चे? वेनरेबल। डन, खत्म हो गया। सो यस, दैट शुड बी फाइन फॉर टुडे। आज कुछ हम लोगों ने नया सीखा, अगर कुछ नया सीखने को मिला, सो प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवेंट सब्सक्राइब इट येट। सब्सक्राइब इट, लाइक इट, एंड थोड़ा सा शेयर कर दो, ताकि बाकी लोग भी इससे मजा ले सके, लाभ ले सके। सो थैंक यू सो मच गाइड फॉर सपोर्टिंग अस, एंड प्लीज कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।